हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं देखिए स्वेटर के डिजाइन लेकर आई हूँ। कितना खूबसूरत डिजाइन है ये। आज मैं इसी डिजाइन को आप सभी के साथ शेयर करूंगी। वीडियो पूरा देखिएगा ताकि समझ में आए कि कैसे बना हुआ है। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं इस डिजाइन को बताना। देखिए देखिए ये पहला फंदा है, हम इसी तरह ले लिए और यहाँ पर एक दो दो फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक दो दो फंदा सीधा। अब यहाँ पर हम दो को एक करेंगे, दो फंदा उल्टा और दो फंदा सीधा बुनने के बाद अब हम यहाँ पर दो को एक करेंगे, धागा अपने तरफ, इस फंदा में जाली देंगे और फिर धागा अपने तरफ। अब यहाँ पर जाली देते हुए हम दो को एक करेंगे इस तरह से। फिर देखिए एक दो, ये एक डिजाइन यहाँ से यहाँ तक ये बन के कम्प्लीट हो गया। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, ग्यारह फंदा का ये डिजाइन है। अब यहाँ से यहाँ तक ये कम्प्लीट हो गया। अब यहाँ से दूसरा हम शुरू करेंगे। ये देखिए फिर इसी तरह रिपीट करना है, दो फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक दो दो फंदा सीधा। अब हम दो को एक करेंगे, दो को एक कर दिए, धागा अपने तरफ और ये जाली देंगे यहाँ पर, फिर धागा अपने तरफ। ये देखिए जाली देते हुए दो को एक करेंगे और फिर यहाँ पर दो फंदा हम सीधा सीधा बुनेंगे और फिर धागा अपने तरफ। अब यहाँ पर हम दो फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, ये लास्ट का फंदा है तो इसको सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। अब उल्टे की तरफ से पूरा रो उल्टा बुनना है इस तरह से। इस तरह से हम पूरा रो उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। उल्टे के तरफ से पूरा रो ये कंप्लीट हो गया। अब सीधे के तरफ से देखिए, सीधे के तरफ से अब हम यहाँ पर ये देखिए ये पहला फंदा है, इसी तरह ले लिए। अब यहाँ पर हम दो फंदा उल्टा बुनेंगे, ये दो फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब यहाँ पर हम एक फंदा सीधा बुनेंगे और फिर हम दो को एक करेंगे इस तरह से, धागा अपने तरफ। अब देखिए यहाँ पर जाली देते हुए इसको बुनेंगे, एक दो तीन, तीन फंदा सीधा, धागा अपने तरफ। अब फिर हम जाली देते हुए दो को एक करेंगे, यहाँ पर जाली देते हुए दो को एक कर दिए, एक फंदा सीधा, फिर देखिए धागा अपने तरफ, एक दो दो फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। अब फिर हम दो को एक करेंगे, फिर देखिए धागा अपने तरफ, अब जाली देते हुए इसको बुनेंगे, एक दो तीन, तीन फंदा सीधा, धागा अपने तरफ और फिर हम दो को एक करेंगे जाली देते हुए। अब एक फंदा सीधा, धागा अपने तरफ, एक दो दो फंदा उल्टा, ये लास्ट का फंदा है तो इसको हम सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। अब उल्टे की तरफ से पूरा रो उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। उल्टे की तरफ से पूरा रो ये कंप्लीट हो गया। अब सीधे की तरफ से देखिए, सीधे की तरफ से अब हम यहाँ पर दो फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे। अब हम यहाँ पर दो को एक करेंगे, ये दो को एक कर दिए, फिर देखिए इसको अब जाली देंगे यहाँ पर, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदा सीधा, धागा अपने तरफ। अब जाली देते हुए दो को एक करेंगे यहाँ पर, ये देखिए। अब फिर इसी तरह हम इधर भी रिपीट करेंगे, एक दो दो फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर हम दो को एक करेंगे, धागा अपने तरफ। अब जाली देते हुए इसको बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदा सीधा, धागा अपने तरफ। फिर देखिए जाली देते हुए दो को एक करेंगे, फिर धागा अपने तरफ, एक दो दो फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये लास्ट का फंदा है तो इसको सीधा बुन के कंप्लीट कर लिए।
उल्टे की तरफ से पूरा रो उल्टा बुनेंगे। ये देखिए उल्टे की तरफ से पूरा रो कंप्लीट हो गया। अब सीधे की तरफ से देखिए, सीधे की तरफ से हम इसको अब इस तरह बनाएंगे, धागा अपने तरफ, एक दो, दो फंदा उल्टा धागा पीछे। अब यहाँ पर देखिए एक दो तीन चार, चार फंदा सीधा। अब हम यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे, ये देखिए अब हम इसको सीधा सीधा बुनेंगे। फिर एक फंदा निकालेंगे जाली के अंदर से, फिर इसको हम सीधा सीधा बुनेंगे, फिर इसको निकालेंगे जाली के अंदर से, फिर इसको सीधा सीधा बुनेंगे। ये तीन निकल गया। अब फिर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, बीच वाला जो फंदा है इसको हम सीधा बुनेंगे। अब फिर देखिए एक फंदा निकाल लिए जाली के अंदर से, अब इसको सीधा बुनेंगे। फिर देखिए इसको भी सीधा बुनेंगे। अब ये इस तरह बन गया। अब फिर देखिए इसको घुमा लेंगे उल्टे की तरफ। अब यहां पर देखिए एक दो तीन चार पांच छ सात, ये सात फंदा को लेकर हम एक साथ ही इसको इस तरह निकालेंगे, फिर सीधे की तरफ इसको घुमा लेंगे इस तरह, और फिर इसको सीधा सीधा बुनेंगे इस तरह से। ये देखिए बन के तैयार हो गया ये। अब फिर हम ये चार फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो तीन चार, चार फंदा सीधा हो गया। ये देखिए ये बन के तैयार हो गया डिजाइन। अब फिर यहाँ पर दो फंदा उल्टा। अब फिर यहाँ पर देखिए धागा पीछे। अब एक दो तीन चार, चार फंदा सीधा। अब फिर हम इसको उसी तरह बुनेंगे। अब यहाँ पर हम फिर इस जाली में से फंदा निकालेंगे और इस फंदा को हम सीधा सीधा बुनेंगे इस तरह से। फिर देखिए जाली के अंदर से हम फंदा को निकालेंगे दूसरे जाली के अंदर से, और फिर हम इसको सीधा सीधा बुनेंगे। इस तरह से फिर देखिए जाली के अंदर से निकालेंगे, फिर इसको हम सीधा सीधा बुनेंगे। ये तीन निकल गए। अब हम बीच वाला सीधा बुन लेंगे। बुनने के बाद फिर हम इस जाली में से निकालेंगे, फिर देखिए अब दूसरे जाली में से निकालेंगे, फिर हम तीसरे जाली में से निकालेंगे, फिर देखिए इसको ये सारा निकल गया। अब हम दूसरे तरफ घुमा लेंगे उल्टे की तरफ। उल्टे की तरफ घुमाने के बाद देखिए एक दो तीन चार पांच छ सात, ये सात फंदा को लेकर एक साथ निकालेंगे इस तरह से। फिर हम सीधे की तरफ घुमा लेंगे, इसको सीधे की तरफ घुमा लिए। घुमाने के बाद इसको फिर हम सीधा सीधा बुनेंगे। थोड़ा सा धागा को यहाँ पर टाइट, हल्का से टाइट खींचेंगे कि ज़्यादा बड़ा यहाँ जाली न पड़े। तो ये देखिए, और फिर अब यहाँ पर एक दो तीन चार, चार फंदा सीधा। अब यहाँ पर दो फंदा उल्टा। ये लास्ट का फंदा है तो इसको सीधा बुन के कंप्लीट कर लिए। देखिए ये डिजाइन बन के कंप्लीट हो गया। अब उल्टे की तरफ से पूरा रो हम उल्टा बुनेंगे। ये देखिए ये पूरा डिजाइन बन के कंप्लीट हो गया। अब हम इसी तरह इस डिजाइन को फिर रिपीट करेंगे, जैसे यहां बनाई थी उसी तरह फिर हम शुरू करेंगे इस डिजाइन को बनाना। देखिए इस तरह से कितना खूबसूरत ये बन के आया डिजाइन। उम्मीद करती हूँ आप सबको जरूर पसंद आया होगा। तो इसको लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और स्वस्थ रहें, खुश रहें। फिर मिलती हूँ मैं कुछ नई डिजाइन लेकर आप सभी के साथ।